हेलो दोस्तों, टेक जलिया चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो मैंने वीडियो बनाई है वो मिनी लैब प्रिंटर के ऊपर बनाई है, जो कि फोटो स्टूडियो वालों के लिए बेस्ट रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, फिर बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये प्रिंटर है इप्सन का, और ये फ़ोटो प्रिंटर है जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में फ़ोटो प्रिंट करती है। यहाँ पे आप कंप्यूटर पे प्रिंटर देख सकते हैं कि कितने भी फ़ोटो हैं, आप जो भी फ़ोटो आप डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं इस प्रिंटर के ऊपर। और दोस्तों, इस प्रिंटर की क्वालिटी ये है कि ये आपको लैब वाली क्वालिटी देता है। ये इप्सन का दोस्तों प्रिंटर है, और अभी आप देख सकते हैं डायरेक्ट प्रिंट दिया गया है, और प्रिंट देने के बाद यहाँ पे आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, प्रिंट क्वालिटी कितनी बढ़िया आ रही है। 4:6 का इसका जो है फ़ोटो इसके ऊपर प्रिंट हुआ है, और ये फ़ोटो पेपर के ऊपर ही ये प्रिंट हो रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी में ये प्रिंट निकाल रहा है। और ये प्रिंटर जो है दोस्तों श्योर लैब D1030 है इप्सन का। आप इसको गूगल सर्च करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं गूगल के ऊपर, और प्रिंट क्वालिटी आप इसके ऊपर अभी भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया, कितनी फाइन क्वालिटी आ रही है। तो ये प्रिंटर दोस्तों जो कि ऑनलाइन काम करते हैं, या जनसेवा केंद्र खोले हुए हैं, या फिर मिनी स्टूडियो का काम करते हैं अगर, तो इंटीरियर वगैरह में, तो इसके लिए ये बहुत ही बेस्ट प्रिंटर होगा। जैसे और ये एक प्रिंटर की तरह है, और ये आप इसको जो है मिनी लैब प्रिंटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फ़ोटो के लिए बेस्ट है, और इसकी प्रिंट स्पीड भी अच्छी है, और क्वालिटी तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर की कितनी फाइन क्वालिटी आ रही है। तो उस हिसाब से ये बेस्ट प्रिंटर रहेगा। आप क्वालिटी देख सकते हो कितनी बढ़िया क्वालिटी आ रही है प्रिंट। तो गाइस, यहाँ पे मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है, जो लोग जनसेवा केंद्र का काम करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पे आप यहाँ से भी पेपर आप लगा सकते हैं, यहाँ पे 4 साइज़ का या 7:5 का साइज़ होता है, 8:5 होता है, या 4:6, या जो भी आप लोग साइज़ फ़ोटो के बोलते हैं, अलग अलग सारे साइज़ इसमें आप लगा सकते हैं एज ए प्रिंटर की तरह, और आप यहां से भी प्रिंट आउट दे सकते हैं। बाकी उसके अलावा इसके अंदर रोल लगता है, सबके अलग अलग रोल आते हैं। 4:6 का अलग आता है, 5:7 का अलग आता है, 5:8 का अलग आता है, तो सबके रोल आते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे ये रोल लगा हुआ है, और रोल जो है इससे फ़ोटो प्रिंट होता है, और उसके बाद 4:6 का इसका ये रोल लगा हुआ है, तो ये फ़ोटो इसके ऊपर प्रिंट होता है, अपने आप अंदर से कटिंग होकर ये फाइनल प्रिंट आउट बाहर आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा जो है प्रिंटर है ये फ़ोटो के लिए और लैब वालों के लिए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया प्रिंटर है, और इसको बिजनेस पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हैं, इप्सन का श्योर लैब D1030। और इसको आप गूगल सर्च करेंगे तो ये आपको इसके ऊपर सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अंदर जो है 6 जो है कलर लगते हैं CMYK, और एक लाइट सियान और एक लाइट मजेंटा लगता है कलर, तो 6 इंक इसमें लगती हैं। और प्रिंट क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये प्रिंट जो फ़ोटो लैब वाले प्रिंट निकालते हैं उसी हिसाब से इसको बनाया गया है। तो गाइस, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आगे भी देख सकें। तो गाइस, ये प्रिंटर जो है आप ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रहेगा। चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, कुछ नया लेकर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बे खैर दोस्तों, बाय।